अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ शमा ज़ैनब ख़ान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम आए हैं फ़्लावर पार्क और वाटर फॉल पार्क जाएंगे यहाँ से, तो उम्मीद करूँगी आपको ये भी वीडियो अच्छा लगेगा। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है और ये बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है। इसका नाइट व्यू तो बहुत ही खूबसूरत होता है और ज़्यादा फ्लावर से सजाया हुआ होता है ये पार्क। राज इंडियन होटल जो है, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ पिछली बार शेयर किया था, तो उसी के सामने है। तो ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है और इसको फ्लावर पार्क कहते हैं। उम्मीद करूँगी आपको ये भी वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें। हम यहाँ पर सुबह 10:30 बजे आए थे, तो इसका नाइट व्यू तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो मैं ज़रूर इसका नाइट व्यू भी शेयर करूँगी। जीजान से आते हुए सीधे हम रास्ते में ये पड़ता है पार्क, तो हम यहाँ पर आ गए। ये फ्लावर पार्क है और हम जाते हुए रास्ते में वाटरफॉल पार्क भी मिलेगा, तो उसका भी आज मैं आपको विज़िट ज़रूर कराऊँगी। ज़्यादातर इस पार्क में नाइट में ही रश होता है और डे में कोई नहीं आता, और थर्सडे फ्राइडे को भी रश होता है यहाँ पर। ये पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो भी मेरे हस्बैंड का डिज़ाइन है। वो मेरे हस्बैंड डिज़ाइनर हैं, ये एक्सटीरियर और इंटीरियर का काम करते हैं। इस पार्क में आपको ज़्यादा फ्लावर तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये फ्लावर पार्क ही बोलते हैं इसको। अगर आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो अभा फ्लावर पार्क बोल के यही दिखाएगा आपको। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डेकोर किया हुआ होता है। अभी पता नहीं क्यों इसको कुछ भी सजाया हुआ नहीं था। ये एक कॉफ़ी शॉप है, तो अब हम यहाँ पर जाके कॉफ़ी पियेंगे। यहाँ पर देखिए इस्तराल फ़न लिखा हुआ है और इसको अरबी में इस्तराल फ़न कहते हैं, इंग्लिश में आर्ट स्ट्रीट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रास्ता है उसको बहुत ही अच्छे से खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ होता है, बहुत ही अच्छे से लाइटों से और फ्लावर से सजाया हुआ होता है, तो इसीलिए इसको आर्ट स्ट्रीट बोलते हैं। इधर सऊदी अरेबिया में ज़्यादातर लोग रात में ही बाहर निकलते हैं और रात का मज़ा ही कुछ और है। बहुत ही अच्छा लगता है रात में घूमना बाहर। यहाँ पर देखिए अन्नू झूला झूल रही है और इसमें बच्चे बड़े सभी झूल सकते हैं, ऐसा नहीं है, मज़बूत है। तो मैं भी इसके अंदर बैठ के झूलूँगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है झूला झूलना, और अन्नू के अब्बा मुझको भी झुलाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी अन्नू वीडियो बना रही थी, इसको सही से वीडियो बनाना नहीं आता और अन्नू के अब्बा डर रहे थे कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ।
ये वही स्ट्रीट है जिसको बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ होता है लाइटों से, फ्लावर से। अभी हम यहाँ पर आ गए वाटरफॉल पार्क। तो इसमें वाटर तो नहीं है, बस बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा बच्चे हैं तो यहाँ पर आकर आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे बहुत ही अच्छे से खेल सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही ठंडा और अच्छा फील हो रहा था यहाँ पर आके। और ये भी ज़्यादा दूर नहीं है, फ्लावर पार्क के बहुत ही नज़दीक ही है और ये भी रास्ते में ही पड़ता है, तो यहाँ से हम सीधे घर जाएंगे इंशाल्लाह।